हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का वेजिटेबल चिल्ला। वैसे तो आपने बेसन के चिल्ले बहुत खाए होंगे, लेकिन इसमें मैं वेजिटेबल्स का यानी सब्जियों का यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैं काफ़ी सारी सब्जियाँ, धनिया, बहुत कुछ यूज़ करूँगी, जिससे काफ़ी चटपटा और कलरफुल दिखेगा और खाने में बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वेजिटेबल बेसन के चिल्ले में मैंने क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया है और कैसे बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं वेजिटेबल बेसन चिल्ला। बेसन का चिल्ला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 5 बड़े चम्मच बेसन, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, ऑयल, पानी मिक्सर बनाने के लिए, कटी हुई आधी गाजर, आधी शिमला मिर्च, 1 प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया और 1 से 2 हरी मिर्च। अब हम इसका मिक्सर बनाते हैं। सबसे पहले एक बाउल में बेसन निकालेंगे। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। एकदम से पूरा ना डालें, नहीं तो लम्स रह जाते हैं। इस बेसन को बहुत अच्छे से फेंटिएगा, क्योंकि आप इसको जितना अच्छा फेंटोगे आपके बेसन के चिल्ले उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। क्योंकि जनरली देखा जाता है बेसन के चिल्ले सबके काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। और जब तक मैं इस बेसन को फेंट रही हूँ और आप देख रहे हो, तब तक देखते देखते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक स्वाद अनुसार जितना भी आप खाते हैं, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार जितना तीखा आप पसंद करते हो, और इसको भी अच्छे से इसी में आप मिक्स करेंगे। ये अच्छे से देखिए फेट चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे वेजिटेबल्स। इस चिल्ले में वेजिटेबल्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्च, गाजर, कटा हुआ प्याज, और इस सबको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। ये बहुत पतले नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं, लेकिन टेस्टी बहुत होगा। और थोड़ा धनिया। वेजिटेबल्स डालने के बाद आप देख रहे हैं बेसन थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इस कंडीशन में यहाँ पे पानी डालेंगे थोड़ा सा, ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। मिक्सचर रेडी है। अब हम तवा ऑन करेंगे और उसे गरम करेंगे। चिल्ला बनाने से पहले तवे को अच्छे से गरम कर लें, और जब हम बेसन इसमें डालेंगे तो हम अपना गैस का फ्लेम लो कर लें, अदरवाइज क्या होगा, जल जाएगा। सबसे पहले हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर लें पूरे तवे पे, इससे क्या होता है इक्वली सेकता है। अब हम बेसन को एक बार घुमाते हुए कड़छी में लेंगे और इसको ऐसे चिल्ले को फैलाएंगे। अब इसको ऐसे इस तरीके से आप देख रहे हो, ये अपने आप ही फैलता जा रहा है। आप थोड़ा सा तवे को ऐसे करोगे तो ये अपने आप ही पूरा फैल जाएगा चिल्ला। बस अब हमें क्या करना है, साइड से इसमें ऑयल देना है और अब इसे पकने दें। आप देख रही हैं चिल्ला जो है बेसन का, ये कितना कलरफुल लग रहा है बिकॉज ऑफ सब्जियां, कि हमने इसमें इतनी सारी सब्जी डाली है, धनिया, प्याज, गाजर,
तो ये देखने में इतना अच्छा लगता है कि बच्चे भी इसे खाते हैं। अब देखिए, ये बेसन आपको ऊपर से हल्का सा पका हुआ दिखेगा, इसका मतलब कि एक साइड से हमारा चिल्ला पक चुका है। अब हम इसको धीमे धीमे स्पून की हेल्प से निकालेंगे, एक साइड से निकालें वरना आपका चिल्ला बीच से फट जाएगा, क्योंकि साइड सबसे पहले पकते हैं चिल्ले के। बस ऐसे धीमे धीमे करते हुए स्पून को पीछे से आगे की तरफ ढकेलते हुए ऐसे पुश करते हुए निकालें इसको, तो आपका चिल्ला कभी भी टूटेगा नहीं। बस इसको पकेंगे और दूसरे साइड से भी ऐसे ही पकाएंगे। फिर से हम इसमें ऑयल डालेंगे, मैं ऑयल का यूज बहुत कम कर रही हूँ, और प्रेस करते हुए इसको ऊपर से अच्छे से पका लें। इस वेजिटेबल बेसन के चिल्ले को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक तरफ से पक जाने के बाद आप गैस का फ्लेम वापस हाई कर दें और इसको पकाएंगे। बीच बीच में देखते ज़रूर रहिएगा ताकि नीचे से चिल्ला जल ना जाए आपका। चिल्ला हमारा पूरी तरह पक चुका है, अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। इस चिल्ले को आप धनिए की हरी चटनी, सॉस, चिली सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको इस चिल्ले को हरी धनिए की चटनी के साथ खाना है तो चटनी बनाने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं।